आज इस वीडियो में जानेंगे कि जनधन के नए एटीएम कार्ड यानी जनधन एटीएम कार्ड का पिन नंबर कैसे बनाया जाता है। ए टू जेड सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जनधन के नए एटीएम कार्ड का पिन नंबर बनाने के लिए आपको किसी भी स्टेट बैंक के एटीएम मशीन पर जाना होगा और जाने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होगी। सबसे पहले आपको वो मोबाइल नंबर याद रखना होगा जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, उसे आपको अपने पास में रखना होगा। और इसके बाद आपको जो आपका अकाउंट नंबर है उसे याद रखना होगा, क्योंकि जब आप जाएंगे नए एटीएम कार्ड का पिन नंबर बनाने के लिए जनधन के, तो आपको ये दो चीज़ें वहाँ पे लगेंगी। तो यहाँ पे मोबाइल इसलिए मैं बोल रहा हूँ रखने के लिए अपने पास, क्योंकि उस पर एक ओटीपी यानी वन टाइम पिन आपको बैंक के द्वारा आता है। तो चलिए चलते हैं स्टेट बैंक के एटीएम मशीन पर और सारा प्रोसेस देखते हैं कैसे नए एटीएम कार्ड का पिन नंबर आप बना सकते हैं। एटीएम पर आपको इस प्रकार से स्टेट बैंक का एटीएम मशीन मिलेगा। अलग टाइप का भी एटीएम मशीन मिल सकता है, पर जो जनधन के न्यू एटीएम कार्ड का पिन नंबर बनाने का प्रोसेस है वही रहेगा जो मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। सबसे पहले अपने जनधन एटीएम कार्ड को यहां पे स्टेट बैंक के एटीएम मशीन में डाल देना होगा। डालने के बाद आपको एटीएम मशीन के स्क्रीन पर इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब है जब तक आपका प्रोसेस चालू रहेगा आप अपने एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन से नहीं निकाल सकते हैं। तो ऑटोमेटिक आपके सामने इस प्रकार से अगला ऑप्शन आएगा। देखिए इस प्रकार से दोनों साइड कई सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, जैसे सर्विसेज, मिनी स्टेटमेंट, कई सारे ऑप्शन आपको दोनों साइड मिलेंगे। तो यहाँ पे नए एटीएम कार्ड का पिन नंबर बनाने के लिए सबसे नीचे यहाँ पे देखिए पिन जनरेट का ऑप्शन मिलेगा, उसे ठीक से बटन दबा देना है। दबाने के बाद आपके सामने इस प्रकार से अगला ऑप्शन आएगा। देखिए लिखा हुआ इंटर योर 11 डिजिट अकाउंट नंबर, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ नीचे आएंगे, कॉर्नर पर कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, उस पर कंफर्म के ठीक सामने बटन आपको दबा देना है। दबाते ही इस प्रकार से अगला ऑप्शन आएगा। देखिए लिखा हुआ है प्लीज़ इंटर योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, दूसरा मोबाइल नंबर नहीं डालना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म के ठीक सामने वाला बटन एक बार फिर से दबा देना है। दबाते ही आपके सामने इस प्रकार से देखिए कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे नीचे आना है, यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, उसी ठीक सामने बटन दबा देना है। दबाने के बाद आपके सामने इस प्रकार से आएगा, देख लिखा हुआ है योर ट्रांजेक्शन बिगिनिंग प्रोसेस प्लीज़ वेट, थोड़ा सा वेट करना है। अब आपको वेट करने के बाद आपके देखिए इस प्रकार से एटीएम मशीन से एक स्लिप यानी रसीद निकल के आ जाएगी और यहाँ पे एटीएम मशीन से पर देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब मैं बता दूँ, आपका जो ट्रांजैक्शन है वो पूरा हो चुका है और आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भेज दिया गया यानी ऑन टाइम पासवर्ड पे भेज दिया गया है। यहाँ पे देखिए इस स्लिप में भी वही लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, ये स्लिप एटीएम मशीन से निकल के नहीं आती, तो इसका टेंशन आप मत लेना अगर स्लिप निकल के ना आए। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आएगा रिमूव कार्ड का ऑप्शन, तो आप अपने एटीएम कार्ड को अब एटीएम मशीन से निकाल लेना है। ये आपका पहला प्रक्रिया नहीं पहला प्रोसेस हो गया। अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा, अब यहाँ पे जैसा कि इस प्रकार से आपको भी एसएमएस आएगा, जैसे मेरा एसएमएस आ चुका है, तो यहाँ पे आपको देखिए एसएमएस में कुछ नंबर लिखा हुआ मिलेगा। तो ये नंबर क्या होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं ये जो नंबर लिखा हुआ है यही हमारा पिन है जो बैंक के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है हमारे एटीएम कार्ड का। तो ये एटीएम कार्ड का पिन नंबर नहीं होता है, ये डेबिट कार्ड जो आपका होगा होता है उसके लास्ट के जो अंक है उसका डेबिट कार्ड नंबर होता है। तो इसे एटीएम पिन ना समझे, एटीएम पिन उसके नीचे देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, जैसे मेरे एसएमएस में लिखा हुआ है 8892, ये एटीएम कार्ड का पिन नंबर होता है जो बैंक द्वारा आपको मिलता है एसएमएस में। तो आपको इसे ध्यान देना है, बहुत सारे लोग इसी में गलती करते हैं जो एसएमएस उनको मिलता है। तो आपको इसे ध्यान देना है, जो नंबर में लिखा होता है वो डेबिट कार्ड के लास्ट के नंबर होते हैं, एटीएम पिन का जो नंबर होता है वो आपको उस प्रकार से लिखा होता है जैसे मैं आपको बताया एसएमएस में। अब आपको दूसरे प्रोसेस में फिर से अपने एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में डालना होगा और जो बैंक द्वारा पिन नंबर आया हुआ है एसएमएस में उसे आपको चेंज करना होगा और अपने हिसाब से नया पिन नंबर बनाना होगा। अब आपके सामने देखिए इस प्रकार से आएगा फिर वही प्रोसेस और आपके सामने फिर से इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर देखिए अब आपको देखिए पिन जनरेट वाले ऑप्शन पर दोबारा से आपको क्लिक नहीं करना है यानी उसके ठीक सामने बटन आपको नहीं दबाना है। आपको अब यहाँ पे दूसरे बार में यहाँ पे बैंकिंग वाले ऑप्शन के ठीक सामने बटन दबाना है। दबाने के बाद आपके सामने इस प्रकार से हिंदी इंग्लिश यानी भाषा चुनने को आएगा, तो जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश ठीक सामने बटन दबा दिया।
अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आएगा, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप कोई भी दो अंक यहाँ पे टाइप करें, यहाँ पे 88, 85, 89 कुछ भी दो अंक यहाँ पे टाइप कर देंगे और यस के ठीक सामने बटन आप दबा देंगे। दबाते ही आपके सामने इस प्रकार आएगा, देखिए प्लीज़ इंटर योर पिन। अब यहाँ पे जो आपको SMS में पिन नंबर मिला हुआ है बैंक के द्वारा, आपको वो पिन नंबर आपको डालना है। जैसा कि यहाँ पे देखिए ये आया हुआ था, जैसे 8992 इस प्रकार से जो आएगा आपको SMS में पिन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे पिन नंबर डालते ही आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन कई सारे ओपन होके आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे पिन चेंज का ऑप्शन आएगा, आपको उसी ठीक सामने बटन दबा देना है, क्योंकि मुझे पिन चेंज करना है अपना। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्लीज़ इंटर योर न्यू पिन। अब यहाँ जो भी आप अपने हमेशा के लिए अपने नए ATM कार्ड का पिन नंबर रखना चाहते हैं 4 डिजिट का, वो यहाँ पे डाल देंगे। डालते ही इस प्रकार से देखिए ऑप्शन चेंज हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ है प्लीज़ री इंटर योर न्यू पिन। यहाँ पे दोबारा से वही पिन नंबर आपको डाल देना है। डालने के बाद देखिए इस प्रकार से जैसे ही डाल देंगे, डालने के बाद आप थोड़ा वेट करेंगे। वेट करने के बाद देखिए इस प्रकार से आएगा, योर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुल, यहाँ पे ट्रांजेक्शन प्रोसेस प्लीज़ वेट। यहाँ पे देखिए अब इस प्रकार से आएगा, योर पिन नंबर हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुल, यानी अब आपका जो पिन नंबर है वो चेंज हो चुका है। अभी जो आपने पिन नंबर बनाया हुआ है वो आपका पिन नंबर हमेशा के लिए वो बन चुका है। अब आपका पूरा कंप्लीट ट्रांजेक्शन पूरा हो चुका है और आपका पिन नंबर बन चुका है। अब कुछ लोगों को डाउट होता है कि हम तुरंत बैलेंस वगैरह चेक कर पाते हैं कि नहीं, तो देखिए जैसे हम अपना ATM कार्ड डाल के बैलेंस चेक करके दिखा दे रहे हैं। अब यहाँ ATM कार्ड डालेंगे, यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी वाले ऑप्शन के ठीक सामने बटन दबाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने अभी पिन नंबर बनाया, देखिए पिन नंबर डाला, डालने के बाद यहाँ पे अपना अकाउंट चॉइस किया, यहाँ पे सेविंग एंड सेविंग ठीक सामने बटन दबाया। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ पे जो हमारे अकाउंट का बैलेंस है देखिए इस प्रकार से दिख गया है। यहाँ पे तुरंत आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, यानी हर कार्य अब अपने जनधन अकाउंट के नए ATM कार्ड के साथ कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, आप इसी प्रकार से अपने SBI के जनधन के न्यू ATM कार्ड का पिन नंबर बना सकते हैं, जैसे मैं आपको A to Z सारा प्रोसेस करके दिखा दिया। अगर आपके पास SBI के दूसरे टाइप का भी ATM कार्ड है तो भी यही प्रोसेस रहेगा। अब मैं आपको कुछ बेसिक सी जानकारी देना चाहूँगा, जब कभी जाए आप पिन नंबर बनाने के लिए तो आपको स्टेट बैंक के ही ATM मशीन पर जाना होगा, किसी अन्य बैंकों के ATM मशीन पर नहीं जाना होगा पिन नंबर बनाने के लिए। और इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर याद रखना होगा जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, और आपको अपना अकाउंट नंबर याद रखना होगा। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और अकाउंट नंबर डालेंगे ATM मशीन में, आपको वही मोबाइल नंबर डालना है ATM मशीन में जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। अगर आपके पास आपका मोबाइल नहीं है, अगर फैमिली वगैरह के पास है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप अपना ATM में मोबाइल नंबर अकाउंट नंबर डालेंगे तो आपके जो मोबाइल नंबर डाले रहेंगे उस पर बैंक के द्वारा एक SMS आएगा, उसमें आपको वन टाइम पिन, यानी आपको उस SMS में वन टाइम पिन मिलता है बैंक के द्वारा। तो यहाँ पे अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप फैमिली वगैरह के पास है तो आप अपने WhatsApp वगैरह पर वो पिन नंबर वगैरह यानी पूरी SMS भी मंगा सकते हैं अपने WhatsApp पर, तो वहाँ पर ये काम कर सकते हैं। तो इसके बाद जो बैंक के द्वारा आपको SMS आएगा, उस SMS में आपको दो टाइप के नंबर मिलते हैं। पहला जो उसमें अंकों में लिखा होता है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखाया था, जो अंकों में लिखा होता है वो आपका डेबिट कार्ड नंबर होता है, उसके लास्ट के 4 अंक होते हैं वो डेबिट कार्ड नंबर होता है, वो आपका पिन नंबर नहीं होता है। बहुत से लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, उसी को पिन नंबर समझ लेते हैं, और वो जब पिन नंबर चेंज करने की बारी आती है तो वो उसी पिन नंबर को डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनका ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाता है, यानी पिन नंबर बन नहीं पाता है। तो आपको इसे ध्यान देना है, वो जो अंकों में लिखा होता है जैसे मैं आपको दिखाया था वो आपका डेबिट कार्ड नंबर होता है, पिन नंबर नहीं होता। पिन नंबर उसके आगे आएंगे, जैसे 9988 है तो पिन नंबर आपका, तो उसके नीचे लिखा होगा NINE, और इसके बाद माने इंग्लिश में लिखा होता है वो आपका पिन नंबर होता है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखाया था। तो आपको इस बात को ज़रूर ध्यान देना है, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद जैसे ही आप अपना जो पिन नंबर चेंज करेंगे, जो नया पिन नंबर बनाएंगे, उस पिन नंबर
को ही आप हमेशा के लिए यूज कर पाएंगे, यानी वही पिन नंबर आपका एटीएम कार्ड का हमेशा के लिए हो जाता है। अब कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है, जो बैंक के द्वारा एसएमएस में पिन नंबर आता है हम उसी को क्यों ना यूज करें। मैं बताना चाहूँगा आपको उस पिन नंबर को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ 24 घंटे के लिए ही वैध होता है। आपको उस 24 घंटे के अंदर अंदर उस पिन नंबर को डाल के अपने हिसाब से एटीएम मशीन में नया पिन नंबर बनाना होता है, यानी चेंज करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप उस पिन नंबर का इस्तेमाल भी करना चाहेंगे जो बैंक के द्वारा एसएमएस में आपको आता है, तो वहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह कहेंगे, जैसे बैलेंस निकालना या बैलेंस वगैरह चेक करना, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो यही सारी जानकारी थी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।